बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है हिंदुस्तान के उन 135 करोड़ आबादी को, जिसके तहत लोग मोदी जी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों बहनों मित्रों, सौगंध इस मिट्टी की देश बिकने नहीं दूंगा। जियो दे दनादन, ये प्रधानमंत्री का काम है जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का। शर्म नहीं आती मोदी जी को? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, मीडिया के लोगों का अस्तर गिर गया। ये 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्णब गोस्वामी, उसका पुलवामा पर जश्न मना रहा था। ये देश को भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की पपौती है देश में लेके आया था। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता बंदा, झूठ पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कौन है सुभाष चंद्र भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला? ये आधुनिक भारत के राक्षस हैं, आधुनिक भारत के जयचंद हैं। वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू पकड़ लेते हैं दिखावटी, साफ सफाई में। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका मशरूम खाना लानत है आपके जिंदगी पर, आपका पेटवे की लोटवे है। इसरो मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, ये मित्रों पूरा देश में घूम घूम के फेंकता है। सुन लीजिए ना, पहले बात राम मंदिर वाला, राम मंदिर बना, राम मंदिर क्या भाजपा नेताओं के बाप दादाओं ने बनाई है। देख लीजिए अर्णब गोस्वामी, ड्रग्स दो ड्रग्स दो, आई नहीं कहता है पुलवामा घटना में अड्रिक्स कहाँ से आया, अड्रिक्स कहाँ से आया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी, सबसे कट्टर हिंदू पंकज श्रीवास्तव। लेकिन इनका कहना है कि मोदी जी जो हैं वो ना तो कट्टर हिंदू हैं ना राष्ट्रवादी हैं। पंकज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप पहले इनका टीका चंदन दिखाइए, आप कट्टर हिंदू हैं कि नहीं? अब ये पेंट खोल के ना आपको दिखाने की ज़रूरत है ना भाजपा आरएसएस के नेताओं को दिखाने की ज़रूरत है। अरे कोई ठेकेदारी, कोई मीडिया और भाजपा आरएसएस के लोग नहीं बांट रही है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समतामूलक समाज की बात से चलेगा। संविधान बाबा साहब का कैसे? संविधान तो इस देश के हर नागरिक का है, बाबा साहब का कोई ठप्पा लगाए क्या? बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है हिंदुस्तान के उन 135 करोड़ आबादी को, जिसके तहत लोग मोदी जी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ रहा है। यार कंपनी बेचना आसान काम है, आप 6 लाख करोड़ रुपया जुटा लेंगे, कंपनी बेच लेंगे, एक सड़क नहीं बेच पाएंगे। अरे सुन तो लीजिए भैया। भाइयों बहनों मित्रों, सौगंध इस मिट्टी की देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। कहाँ रख लिए जुमला प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए। और प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है 2014 के बाद। अब 2014 से पहले जाइए, प्रधानमंत्री जी के पास में जादू की छड़ी थी, जब घुमाया और समस्या का समाधान हो गया। आज वो खुद भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। और आपने कहा कि मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में शादी एक संस्कार है। मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है, इस बात का प्रतीक है कि जिसके साथ शादी किया जाएगा उसको ताउम्र उसकी देखभाल करनी है। तो राष्ट्र देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चा नहीं पैदा किए देश के लिए। आप भी पत्नी छोड़ देते मोदी जी, तो FIR हो जाएगा। फिर वही बात, माने 3 बार तलाक तलाक बोलेगा तो उसके लिए अपराध की श्रेणी है, कानून बनेगा। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है? हैं बेचारी जसोदा बेन न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। उस आदमी को आप अपना आइकॉन बनाते हैं तो आप लोगों का क्या दुर्दशा? देश का टीवी अखबार आप देखते हैं कि नहीं? उसका कहना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है ना, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? बेरोजगारी की संख्या बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, सेना के जवानों पर हुए जुल्म और अत्याचार का हिसाब नहीं पूछना। आपको पता है पुलवामा की घटना? अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिलती है, जेलेटिन के छर होता है तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX 150 किलो जेलेटिन? मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो बेचे हैं, लीज दिए हैं, उससे पैसा आएगा, वो देश के विकास में लगेगा। आप लोग कह रहे हैं देश बेच रहे हैं, कंपनी अडानी अंबानी बढ़िया चलाएगा ना सब। अरे आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? 2014 से पहले भारत सही चल रहा था, फोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे। मोदी जी के आने से इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे, आप समझिए। उसके बाद 30 दिन का महीना होता है, मोदी है तो मुमकिन है, 28 दिन का महीना हो गया। साल में 12 महीना होता था, 13 महीना कर दिया। जियो फ्री लो, जिस अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी के ये सेल्समैन सप्लायर और ब्रांड इन्वेस्टर तीनों थे, जानबूझकर नमकीन को डुबाया गया। ये सेल्समैन है अंबानी के, क्या थे? जियो दे दनादन, ये प्रधानमंत्री का काम है जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का। शर्म नहीं आती मोदी जी को? अगर मोदी जी जैसा बेशर्म और निर्लज आदमी, इसको शर्म ही नहीं होता, अगर हम लोग होते नरेंद्र मोदी की जगह तो मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते।
मोदी जी की आलोचना कट्टर हिंदू नहीं कर सकता है, कट्टर सनातनी नहीं कर। अरे भैया आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हो, बात होनी चाहिए कानपुर की तब पहुंच जाते हो काबुल, बात होनी चाहिए इंदौर की तब पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। तो मुसलमान टाइट है ना इस सरकार में। सुन तो लो, आप ही लोगों ने दिखाया कि जो हमारे सिख समुदाय पंजाब के किसान आए हुए हैं खालिस्तानी कैसे हो गए, कट्टर हिंदू तो वही है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, जिन्होंने जनऊ टूटने से बचाया। आप ही कह रहे हैं, आप ही का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता है, तो आज वो खालिस्तानी अम्बाबाली भरुआ शब्द का इस्तेमाल भाजपा का नेता करने वाला कौन होता है? ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। लेकिन टीवी अखबार कहता है कि मोदी जी सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आरएसएस के द्वितीय गुरु थे गोवल हेडगेवार के बाद गोवलकर, जिसने अपनी किताब में लिखा 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% आदमी के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना, ये उसी एजेंडे पर चल रहा है। जानबूझकर रेलवे को डुबाया जा रहा है, जानबूझकर बैंक को डुबाया गया। तो आरक्षण भी तो खत्म करना है ना, ये सब आरक्षण वाला सब बैठा हुआ था, कंपनी चल नहीं रही थी, भारत देश नुकसान में था। बाबा साहब अम्बेडकर को कौन सा आरक्षण मिला था? अपने प्रतिभा पर आए ना आरक्षण के बहाने। आप वही बात, एक बात बताइए, आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो आप इलाज कराओगे या अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप दोगे? नरेंद्र मोदी जी तो पहले ही छोड़ चुके थे। नरेंद्र मोदी क्या जाने, रंडवा आदमी क्या जानेगा? आप समझिए, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। जाहिर सी बात है। एक बात बताइए, देश में पैसा नहीं था, राजकोषीय घाटा 9 से 10% के बीच में है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, मंदी है, तो क्या नए मंत्रिमंडल में लोगों को मंदी है? दिमाग खराब है आपका। देखे योगी जी का बैनर पोस्टर पूरा दिल्ली मेट्रो एकदम पाट दिए हैं। यही समझाना चाह रहा हूँ आप जैसे पत्रकारों को, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, मीडिया के लोगों का स्तर गिर गया। ये देश के दलाल मीडिया के, मीडिया वाला दलाल है। कौन नहीं है? दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्णब गोस्वामी, उसका पुलवामा पर जश्न मना रहा था। आपको पता है अनवय नाई, दीपक चौरसिया, अर्णब गोस्वामी, सुशांत, सब सरदार सरकार के साथ। चौरसिया अपराधी है, बिहार समेत कई राज्यों में दीपक चौरसिया पर FIR दर्ज है। आपको पता है नहीं पता है? कौन है? BPL का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, उसका पार्टनर है अर्णब गोस्वामी। अभी हाल में सुधीर चौधरी, इतना फिर वही बात, सुधीर चौधरी तालिबान को समर्थन किया था। आप अर्णब गोस्वामी पर कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग? उसके पूरे परिवार के लोग भाजपा के विधायक हैं, नेता हैं। आपको डर नहीं लगता पंकज जेल चले जाएंगे आप? ये देश को भाजपा RSS के नेताओं के बाप की बपौती है दहेज में लेके आया था। ये देश हमारे बाप दादाओं का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्ला खां का देश है, ठाकुर रोशन सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है। किसी एक जाति धर्म की बात नहीं होगी। आइए आप मुद्दे पर, भटकाइए मत। आप लोग जो तालिबान कर रहे हैं, मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने कह दिया? इंडिया इज मोदी। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक, हो गए हवलदार। हैं, गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे, और देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये रिकॉल की सुविधा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जैसे निठल्ले बेशरम महानीच मौतों के सौदागर, जिसने देश को कोरोना की आग में झोंका, ऐसे प्रधानमंत्री को कान पकड़कर गद्दी से काट दिया। इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों तेल, 800 रुपये LPG खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। जो लोग मोदी मोदी कर रहे, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले, मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं, अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता, मोदी जैसा बहनोई मिले, मोदी जैसा सब कुछ रिश्तेदार मिले। आप समझिए क्यों मोदी मोदी गुणगान, कितना पैसा मिला है भाजपा IT सेल से आप लोगों को? आप लोग समझिए बात को। देश मतलब पत्रकारों को पैसा मिलता है बीजेपी से? मैंने 3 को कुत्ता के रेस्क्यू हुआ तब तो कौन लगा, रिश्तेदार लगता है कुत्ता? अरे बिहार की घटना आपने नहीं देखी? बिहार में 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है, कोई वहां जन आशीर्वाद यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? ये कोरोना की लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। ट्रंप की गुलामी में पहली लहर फैलाया, दूसरी किया आपने देखा होगा बिहार में सब में चुनाव हुआ, तीसरी लहर वो अब अभी जन आशीर्वाद यात्रा में लहर नहीं फैलेगी, जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा था कोरोना से संज्ञान लेना। मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन गुरु है, निपट लिया, कोई ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा है। अरे सुनिए ना, अपने मियां मिट्ठू हो रहे हैं, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता बंदा, झूठ पर झूठ। झूठ कोई मोदी जी महान नेता नहीं है, आत्मविश्वास से लबरेज होकर झूठ बोलता है, आंख में मिर्ची झोंक कर झूठ बोलता है। कौआ अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता,
हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है। तो मतलब मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप सर्टिफिकेट मांगिएगा। तो आप बताइएगा झूठी जानकारी, एमए पॉलिटिकल इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई कोर्स है, कहाँ है बता दीजिए, कौन से यूनिवर्सिटी में है बता दीजिए, और कब वो चाय बेचता था, एक कदम में जाके वहाँ चाय बेचता था, दूसरे कदम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता था, कहाँ आप लोग किसी को देखा कि मोदी जी का कोई दोस्त बता दीजिए आप हमको कि मोदी जी के साथ हाई स्कूल में पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो कोई आदमी। एक बात बताइए पंकज, जनता आप लोग को महंगाई लग रही है, अभी जनता निजीकरण के खिलाफ कहाँ सर को पर आ गई, कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की तो इतना बड़ा अन्ना आंदोलन हुआ, आपके मोदी जी के खिलाफ तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, कोई पार्टी सड़क पर नहीं। तो लीजिए आरएसएस और जो डोभाल साहब की संस्था और कई संगठन भाजपा से जुड़े हुए, बिलियन माइंड, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जहां चाइना की कई संस्थाओं ने चंदा दिया, विश्व के कई संस्थाओं ने चंदा दिया, जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका था, हमारी गिनती तीसरे पैदान पर होती थी, एक विदेशी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, प्रयोग के तहत भारत के विकास को अवरुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया। अगर आपको शक लगता है, बिलियन माइंड्स का रिकॉर्ड खोल लीजिए आप स्वामी विवेकानंद। आप कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी राष्ट्रद्रोही है। एक बात बताइए, तालिबान को किसने फंडिंग किया था, अमरीका ने। मुसलमान अगर मुस्लिम आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया में होता आतंकवादी, सऊदी अरब में होता, अफगानिस्तान में क्या करने गया, अमेरिका हथियार दिया, फंडिंग दिया, रशिया के खिलाफ किया, तालिबान खड़ा हुआ, कौन लोग हैं ये विश्व के समुदाय जो लोग किसी छोटे छोटे देशों के उतना उतना कर रहे हैं। मैं तो पत्रकार हूँ, उतना समझदार नहीं हूँ, एक बात बताओ। नहीं, नहीं, एक बात बताइए, पत्रकार सबसे बोका होता है भैया, कोई नहीं होता, सब दलाली कर रहा है, भरवागिरी कर रहा है, किसी को राज्यसभा में सदस्य बनना है सुभाष चंद्रा जैसे लोगों को, पत्रकार दलाल है। तो कौन है सुभाष चंद्रा, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, क्या क्वालिफिकेशन है भैया सुभाष चंद्र का, राज्यसभा का सदस्य बना दिए, बताइए ना, अंजना ओम कश्यप के पति सीवीसी के विरोध के बावजूद कैसे वहां बना अध्यक्ष, ये सवाल पूछिए ना। रजत शर्मा को पद्म सम्मान दिया गया, वाई प्लस सुरक्षा दी गई, क्रिकेट कंट्रोल क्रिकेट खेला था कभी रजत शर्मा, भारत के लोग विभूति हैं, भारत के विभूति हैं, हम लोग तब बाढ़ में दह के आए हैं, ऊपर से इसे टपक गए हैं, आप भी टपक गए हैं, गजब बात करते हैं, विभूति हैं। अरे 135 करोड़ मुद्दे पर आइए, अगर मोदी जी ने हाईवे रेलवे बेच दिया तो कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों को जबरदस्ती देशद्रोह के मुकदमों में फंसाया जा रहा, एक तरफ पॉकेटमारी कर रहे प्रधानमंत्री जी, गैस के दाम बढ़ गए, सब्सिडी घटा दी गई, और दूसरी तरफ देश को लूट रहे, बेच रहे, ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, भारत का लुटेरा है, जितना माल कहाँ जा रहा है, माल मोटा माल कहाँ जा रहा है, स्विस बैंक में 3.12 गुना वृद्धि हुआ नहीं मालूम है, प्रधानमंत्री तो पहले 12-15 लाख दे रहे थे, इतना बड़ा लंबा चिट्ठा था, गांधी जी नेहरू जी आके फाड़ दिए है, कहाँ आप लोग चले जाते हैं, अब तो 45 लाख देना चाहिए मोदी को, अब किडनी लेने पर तुला हुआ है, देश की जनता का लीवर निकाल लेगा, किडनी निकाल लेगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, और पॉल्यूशन कम होगा, लोग साइकिल से चलेगा, पैदल से चलेगा, बैलगाड़ी से चलेगा, देश को वैदिक युग में ले जाना है, धर्म की भी तो रक्षा करनी है। सबसे पहले शायद आपको और भाजपा वालों को हिंदू धर्म नहीं मालूम, कोरोना काल में मोदी जी ने रामायण दिखाई थी, ताली थाली पिटवाया था, आपने रामायण तो देखी है, पत्रकार जी की नहीं देखा, देखा है, भगवान राम के खाली संबुक बध याद, सुनिए ना, पहले सब याद है, सब चीज देखिए, अच्छाई बुराई सब देखिए, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो रामचंद्र जी थाली तो नहीं पिटवाए, परात तो नहीं पिटवाए, उन्हें सुसेन वैद को बुलाया, संजीवनी बूटी मंगाई, और उस समय कौन रोकने वाला था, कालेनेमी राक्षस जो भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को प्रभु श्री राम का नाम ले, ये भाजपा आरएसएस के लोग यही राक्षस हैं, ये आधुनिक भारत के राक्षस हैं, आधुनिक भारत के जयचंद हैं, हम क्या लड़ेंगे चाइना से, क्या लड़ेंगे पाकिस्तान से। पंकज, ये जो टीवी वाला सब एक महीना से अफगानिस्तान पाकिस्तान दिखा रहा है, ये सब भारत में दलितों की हत्या होती है, मुसलमानों की हत्या होती है, पिछड़ों की हत्या होती है, ये सब क्यों नहीं दिखाता है और अफगानिस्तान की दिखाता है, इसकी वजह क्या लग रहा है, सत्ता में बैठे हुए मठाधीश और खुद देश के दाढ़ी वाले बाबा नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू पकड़ लेते हैं दिखावटी, साफ सफाई में है ये करने के लिए, उसी वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रीढ़ जिसने रामायण लिखी
उस समाज की बेटी के साथ दरिंदगी हुआ, वो भी पानी के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका मशरूम खाना लानत है आपके जिंदगी पर, आपका पेटवे की लोटवे है, खान ही पर भर दे ले हैं, कपड़े ही चेंज करने पर, आपको जाना चाहिए वहाँ। प्रधानमंत्री जी कपड़ा चेंज करते हैं, घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बता दीजिए, आठवां युवा विश्व में पैदा लिया, ऐसा मनहूस ऐसा पनौती कि जहां जहां इसके पांव पड़ते वहां वहां विनाश। भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गया भाई मोदी जी की वजह से, एक शर्म तो आता नहीं है उनके गुरु मुस्लिम समुदाय से फेंकने में। एगो इसरो मित्रो, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, आई मित्रों पूरा देश में घूम घूम के फेंकता है, पूरे वर्ल्ड का दौरा कर लिया। एक बात बताइए, आप कितना कमाते हैं? आप अपना पैसा अगर घर में खर्च नहीं करेंगे तो भाभी जी और बच्चों का क्या होगा? तो देश का प्रधानमंत्री गधा का जन्म छुड़ाया, पूरे विश्व में घूम लिया, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, पूरा विश्व में 200 डेलीगेशन लेके घूम लिया, और देश की जनता के पास नहीं है। ये ब्रिटेन गया वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ, इजराइल गया वहाँ के क्या हुआ, नवाज शरीफ के पास गया था साल ओढ़ने बिरयानी खाने, बेचारा नवाज शरीफ चला गया, अब वहाँ गया अफगानिस्तान गया फीता काटने, अफगानिस्तान का लुटिया डुबा दिया, घर में पैदा लिया बाप को लेकर डूब मरा, जहाँ घनाजेरी चोबर किया था 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा था वाजपेयी जी की सरकार में, आप याद कर लीजिएगा, गहना चेवर चोरी करने से उनके पिताजी की मौत हुई थी, गुजरात में था गोधरा कांड हुआ, देश में आया तो ऐसा पनौती आया, हनुमान जी पूरा लंका जलाए धर्म के लिए, आइए हनुमान जी की तरह फुदक फुदक के बंदर की तरह पूरे देश में कोरोना फैला दिया, क्या जरूरी था? 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, नरेंद्र मोदी जानबूझकर। लेकिन टीवी अखबार आप देखिए पंकज, आप टीवी अखबार पे देखेंगे मोदी 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 है भाई, कोई वैक्सीन गुरु कहता है, कोई मास्टर स्ट्रोक कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं मोदी कर रहे हैं, मोदी कुछ मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ अच्छे किए होंगे। लीजिए पत्रकार महोदय, इस बार तालिबान का मुद्दा नहीं रहता तो मिठाई में मिलावट का मुद्दा खत्म हो गया कि नहीं, इनके पास मुद्दा क्या रहेगा? कभी इनसे पूछिए बिहार में डिबेट करें, मोदी जी में कोई बात के मुद्दे मोदी जी में, अरे बेरोजगारी को, बेरोजगारी कोई मुद्दा है साहब? आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, राम मंदिर बन गया आप बेरोजगारी महंगाई के चक्कर में पड़े। कहा बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा बताइए? अरे राम मंदिर बनाना, अरे फिर सुन लीजिए ना, पहले बात राम मंदिर मिला, राम मंदिर बना, राम मंदिर क्या भाजपा नेताओं के बाप दादाओं ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों का फैसला था और उन्होंने कहा था कि इस पर कोई राजनीति नहीं करेगा, ये लोग जानबूझकर, ये उसी सपोले के बच्चे तो जज साहब को, अच्छा तो जज साहब को राज्यसभा मेंबर बनाया ना, उसके लिए नहीं बनाया, राफेल में जो दलाली खाई तो जाइए ना फ्रांसों में बना दीजिएगा किसी को राज्यसभा सदस्य, जो फराइल, आप एक बात बताइए, जो दिवालिया हो गया जो सजायाफ्ता है तो उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है? अच्छा एक बताइए, स्टेडियम बेचने से, रोड बेचने से, रेल बेचने से आपको क्या नुकसान है? आपके घर में, आप समझिए, आपके घर में, अरे सुनिए पत्रकार महोदय, आप अपने घर का बर्तन बेच दीजिए, बिस्तर बेच दीजिए। यार हमारा नाम चेंज करो, हम पत्रकार कहो तो हमको दलाल सुनाई देता है, जैसी पत्रकार बोलते हमें लगता है दलाल कह रहे हो। हे पत्र, आज के जो नेशनल मीडिया के दूसरा चीज कोई, सुनिए ना, ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, कुत्ता भी अगर अपने मालिक का खाता है तो मालिक के सामने पूंछ हिलाता है, देश के मीडिया के पत्रकारों का स्तर तो कुत्तों से भी गया गुजरा है, देख लीजिए अर्णब गोस्वामी, ड्रग्स दो ड्रग्स दो, आई नहीं कहता है पुलवामा घटना में अड्रिक्स कहाँ से आया, अड्रिक्स कहाँ से आया, रोजगार दो, बाढ़ समस्या की निदान करो, ये नहीं कहता तो कुत्ता की तरफ पूंछ हिलाता है उसका। अच्छा, एक लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, पहले सुनिए, आप लोग क्या करते हैं, गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं, पहले पुलिस वाला को सारी सुविधा मिलती, अब मीडिया के लोग क्या करते, एक तरह से अपहरण करते कि फिरौती दो नहीं तो मैंने अपहरण कर लेंगे, तो वही काम मीडिया का है कि आप अगर उसको नहीं दीजिएगा, सारे मीडिया चैनल में देखिएगा इतना महंगा महंगा कार से आदमी को ऑडियंस को लाता है, सारा बीजेपी का आदमी होता है, मोदी मोदी किराए का होता है, जो गेस्ट होता है 2 मौलाना को बिठा लेगा 5,000 रुपया दे देगा, 2 टीका लगा के पंडित जी को बिठा देगा दे देगा, तो वहाँ ताली बजाने का काम होता है, ताली क्यों भाई, मर्दों की निशानी है ताली बजाना, हर बात में प्रधानमंत्री भी ताली बजाते हैं। अंजना ये सब खराब पत्रकार हैं, चित्रा त्रिपाठी, अंजना, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अर्णब गोस्वामी, इन लोगों का रतौधी है कि दिनौधी है, जब दरभंगा की 13 साल की बेटी ज्योति फरीदाबाद से साइकिल चला के गई थी, जब देश के मजदूर पैदल नहीं चल पा रहे थे 58 डिग्री सेल्सियस में, लॉरी पलटने से मजदूर, भारत 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 की महंगाई दिखाए कि तालिबान दिखाए, ये सब भारत में नहीं रह रहे हम लोग, पाकिस्तान में रह रहे,
कहाँ आप लोग चले जाते हो, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की तो चले जाते हैं पाकिस्तान, बात कर रहे हैं कानपुर की तो चले जाते हैं काबुल, बात कर रहे हैं इंदौर की तो चले जाते हैं इस्लामाबाद। दाऊद का किस बेड पर है वो गिन लेते हैं। आज देश में कितने मजदूर मरे जिनको अनप्लान्ड लॉकडाउन, 24 तारीख को सैलरी मिलता है, जो दैनिक मजदूर 35 से 40 करोड़ लोग प्रभावित हुए, उसके बारे में कभी आपने डिबेट किया? ट्रेनें क्यों बंद किया गया उस पर आपने कभी डिबेट किया? रोजगार पर कभी डिबेट किया? बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर सभी जाति सभी धर्म के लोग मरते हैं, वहाँ प्रभावित होते हैं, कभी उस पर डिबेट किया? एक सवाल लीजिए और सुनिए, बहुत बोल लिए आप। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ एक बताइए कि तो कोई भी विपक्षी नेता की कहाँ सड़क पर निकल रहा है? देखिए मैं किसी पार्टी से होता तो मैं रिक्शा लेता। बात कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी भी तो कोई नहीं निकल रहा पंकज। कैसे आप जैसे निकलेगा? सबके यहाँ तो CBI ED भेज देते हैं आप, तो इसका मतलब आप लोग चोरी करके माल बैठे हैं, माल दबा के बैठे हैं। अरे वाह, माने आप ही राजा हरिश्चंद हैं और आपके मोदी जी राजा हरिश्चंद है, राजा हरिश्चंद की छठी औलाद। बीजेपी तो साफ साफ अपना, सुनिए ना, जब सब कुछ ईमानदारी से हो रहा, लालू यादव जी ट्रेन में टिकट का 1 रुपया दाम कम किया, गरीब आदमी गरीब रथ में बैठेगा AC जैसा मजा लेगा, तो स्लीपर क्लास का रेट था, अब तो प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पहुंचने में 10 रुपया और प्लेटफॉर्म में घुसने में 50 रुपया। जनता विरोध नहीं कर रही है पंकज, 800 रुपये सिलेंडर हो गया, 100 रुपये तेल है, 200 रुपये सर हैं, आप दिखाते हैं। अभी लखनऊ की स्थिति देखिए, छात्रों को मार के लहूलुहान कर दिया गया, इंदौर की स्थिति देखिए, सारा दोष मीडिया मैनेज हो चुका है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया पालतू कुत्ते की तरह है, राजा महाराजा पहले भान रखते थे, अब देश के नेशनल मीडिया के पत्रकार लोग हैं, सब दलाली कर रहा है कि साहब हमें राज्यसभा में भेज दो, साहब हमें CBC का चेयरमैन बना दो, साहब हमें कहीं चुनाव कोई पदाधिकारी बना दो, साहब हमें पद्म सम्मान दे दो, साहब हमें Y+ सुरक्षा दे दो, सब इसी की दलाली कर रहा है। अगर देखिए मतलब मीडिया बड़ा दलाल हो गया, सबसे बड़ा दलाल और बरबा है इस समय देश में। देखिए आप अगर डेमोक्रेसी में हैं, अगर आप संवैधानिक परंपराओं को मानते हैं, तो एक बात तो तय मानिए कि डेमोक्रेसी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से मजबूत होती है। जिस देश में विपक्ष की आवाज़ कुंद हो जाए, जिस देश की मीडिया सरकार से सवाल न पूछे, उस पर सवाल तो उठता है। पंकज की भाषा से लहजे से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में एक बात बताइए, गाली गलौज तो ठीक नहीं है। क्या गाली गलौज? वो बैठ के डिबेट में गाली देता है रिपब्लिक भारत में, वो राजा सही है? चोर मुसरे भाई बन रहे हैं आप, तो हम भी नंगे हो जाएं, हम भी नंगे हो जाएं। कीचड़ साफ करना हो तो नाला में उतरना पड़ेगा कि पजामा कुर्ता पहन के साफ कीजिएगा? सो बताइए आप हमको, नाला कैसे साफ कीजिएगा? एकदम क्रिच नीन टेलो पाल माल के। मैं अपनी बात सुनिए पहले, बात भैया हमारा इंटरव्यू खत्म। प्रधानमंत्री के चंद आवास के चंद कदमों की दूरी पर खोरी गाँव है, जहाँ भू माफियाओं ने लाखों लोगों के साथ, वहाँ 40 मंदिर 27 मस्जिद। अरे सुन लीजिए, फिर मानवीय संवेदना की बात है, आप कहते हैं माइंड कर दीजिए, तो फिर दिखाते क्यों है? आप सवाल पूछिए उनसे। अरे पंकज, इस देश में महंगाई रोजी रोटी मुद्दा नहीं है यार, फिर नहीं सुन रहे हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, बात करोगे? बुलडोजर चला दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, बिजली बंद कर दीजिए, और लोगों को घर से उजाड़ दीजिए, तो काहे के लिए भाजपा का नेता से बोलता है जहाँ झुकी वहीं मकान? काहे के लिए मनोज तिवारी ने किया कि पापा जब 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करता था, नचनिया गजन की भजनिया, अब कहा नहीं जाता है सोने? पूछे जाके खोरी गांव में लोगों ने पेट काट। सीरियस सवाल लीजिए, आपको लगता है इस देश में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, लोग धर रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है? लड़ाया जा रहा है, आपको अंधे हैं आप, आपको नहीं दिखता कौन लड़ा रहा है? एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत कौन था अश्विनी उपाध्याय भाजपा नेता जिसने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया, क्यों नहीं रोका और उसको दामाद की तरह लाया और छोड़ दिया? मोदी जी नया संसद बना रहे हैं, नया PM हाउस बन रहा है, शानदार, सबसे शानदार। सुन तो लो, आदर्श नगर में जो SHO था वो भी आप 100 रुपए पेट्रोल में नया संसद कैसे बनेगा? कह रहा हूँ बाहर में जाए, 13वीं सदी का चल रहा है संसद भवन विश्व में, 14वीं सदी का, 16वीं सदी का, ये तो 1927 का बना हुआ है भाई। आप आइए मुद्दे पर, आदर्श नगर में SHO जलन हो रही है, मोदी जी नया घर में रहेंगे तो जलन तो आप लोगों को हो रही है कि कहीं कान पकड़ के निकालना दे, विज्ञापन बंद कर दे, इसीलिए ठुमका लगा रहे हैं। आप लोगों को पैरों में पैजाब पहनना चाहिए, हाथों में चूड़िया घाघरा चोली पहन के इससे अच्छा तो ठुमका लगा लेते। आप लोग तो तवायब के जो मुजरा गाती है उससे भी गए गुजरे, मीडिया वाला तो और क्या, मीडिया में कोई अस्तित्व है? पत्रकार सब तवायब है, सारा है वो तवायब के कोठे पर। असंसदीय भाषा, कोई संसदीय भाषा नहीं है, सुनिए, असंसदीय भाषा है, ये आप महिला पत्रकार रूपिका लियाकत अंजना चित्रा त्रिपाठी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री क्या बोलता है, मुझे लोग नीच कहते हैं, अच्छे दिन नहीं आए तो पिछवाड़े पे लात मार देना। आइए ना घूमिए ना बगैर पुलिस के, पिछवाड़े पर कैसे लात मारता है आपको बता देगा, फुटबॉल किंग बना देगा। आइए ना किसानों के बीच में, 9 महीने हो गए, फिर संसदीय भाषा
ये संसदीय भाषा हमें मत समझाइए, सिखाइए, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, मैं संविधान को मानता हूँ। आप मीनाक्षी लेखी को सिखाइए जिसने किसानों को शराबी कहा, मवाली कहा। आप दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूरी को सिखाइए जिसने भरुआ कहा। आप भाजपा नेता को नहीं समझा रहे, आप हमें हम जनता हैं तो हमको समझा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, संवैधानिक दायरे में इस देश में सबको अपनी बात रखने का हक है। जो भी पंकज ने कहा है उसमें कोई असंवैधानिक वर्ड का प्रयोग किया गया तो वो पंकज जिम्मेदार है। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी मजबूत तभी होगी जब सरकार से आप सवाल पूछेंगे। एक बात से मैं सहमत हूँ एक पत्रकार के तौर पे कि भारत की जो टेलीविज़न और अखबार की मीडिया है वो सरकार से नहीं विपक्ष से सवाल पूछती है, और ये काम मीडिया का नहीं है। मीडिया का काम है, अब हो गया। देश के लोगों को पाकिस्तानी कहिए, खालिस्तानी कहिए, भरवा कहिए, मवाली कहिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हैं? और हमने अगर कह दिया तो असंवैधानिक हो गया। वाह रे वाह, आपका कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, हैं? आया पढ़ाने अंग्रेजी, आप पढ़ाने आए हैं, हम लोग नहीं समझते, हम लोग रोटी नहीं खा रहे। हम आप समझिए, गाय को भैंस को अगर रूखा सूखा खिलाइएगा अमृत जैसा दूध देगा। ये उसी सपोले के बच्चे हैं भाजपा आरएसएस के लोग, जो अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी कर रहा था, जो 1941 में दो राष्ट्र के संस्थान, बीजेपी अंग्रेजों के गुलाम थी। कौन था? सावरकर को पैसा किस लिए मिलता था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के बदले में ही जो सहयोग, आप जेल जाओगे आप। अरे कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता, हम लोग खुदीराम बोस के वंशज हैं। 16 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर जुमा था, उस समय लोग सुनहरा भविष्य देखता है। अगर हमारे फांसी पर जाने से अगर देश बच जाए, इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक होकर इन नफरती चिंटुओं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, इनका विरोध करने का है। चलिए, ये पंकज हैं और लगातार सोशल मीडिया पर बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं होता, सरकारें आती जाती रहेंगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार से सवाल पूछना ही मीडिया का और आम लोग का काम। एक बात तो तय है कि भारत की मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वो भारत के मुद्दे पर, महंगाई हो, लॉकडाउन में करोड़ों लोग प्रभावित हुए, कोरोना से प्रभावित हुए, महंगाई है, तो इन सब पर बात नहीं होती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बात होती है, हिंदू मुसलमान पर बात होती है। तो मैं एक पत्रकार के तौर पर, मुझे लगता है, मैं पंकज के और बातों से सहमत हैं आपकी नहीं है ये समझिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत की मीडिया ने अपना काम करना बंद कर दिया है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।